और बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव गोगा मेडी की हत्याकांड में दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, एक आरोपी राजस्थान के मकराना से और दूसरा आरोपी हरियाणा के महेंद्रगढ़ से पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। सुखदेव गोगा मेडी जिनके कल हत्या कर दी गई, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष, उनके घर पर ही हत्या की गई। 10 मिनट में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये दोनों आरोपी यूं तो मिलने के लिए आते हैं, 10 मिनट तक मुलाकात करते हैं और उसके बाद किस तरीके से पिस्तौल निकालकर धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं। सुखदेव मर्डर केस में ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं, ये बड़ी खबर दे रहे हैं सूत्रों के वाले से। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में दीपक हमारे सहयोगी लाइव जुड़ेंगे और साथ ही साथ भवानी जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले दीपक का रुख करूंगी। दीपक, कोई क्राइम कुंडली इनकी मिली है दोनों की? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि जो दोनों आरोपी हैं, दोनों अलग अलग, एक मकराना से है और एक महेंद्रगढ़ से है, और महेंद्रगढ़ में हरियाणा में किस तरह के उसके लिंक रहे हैं ये पता करना जरूरी है। और पुलिस कहीं ना कहीं से कोशिश करके उन तक पहुंचेगी, क्योंकि हरियाणा एसटीएफ को भी देर रात सूचना दी गई थी कि इस तरह से हरियाणा के का रहने वाला कोई एक जो बदमाश है वो उसकी तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सुखदेव गोगा मेडी की हत्याकांड में ये दोनों आरोपी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो स्कूटी से फरार होते हुए दिखाई दिए हैं, उनको पकड़ा गया है। एक राजस्थान के मकराना से है और दूसरा हरियाणा से है, दोनों को पकड़ा गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी भी जुड़े हुए हैं। भवानी, किस तरीके से उन्होंने 10 मिनट मुलाकात की, कैसे जानते थे, कोई जानकारी मिली हो? देखिए अभी जब इनको पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा तब सामने आएगा कि इनसे पूछताछ होगी, तब सामने आएगा कि आखिर कैसे मुलाकात हुई, कैसे ये यहाँ पर पहुँचने में कामयाब कैसे हुए। लेकिन अब पहले तस्वीर में बता देता हूँ, फिर आपको वापस एक बार तस्वीर पे ले चलता हूँ। आप देखिए कि ये पोस्ट लोकेशन है श्यामनगर यहाँ पर, और गली के अंदर है। आप देखिए कि एक गली क्रॉस करेंगे, उसके बाद में दूसरी गली आती है, फिर उसके बाद में ये कॉर्नर का ये मकान नज़र आएगा, लास्ट मकान नज़र आ रहा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप देखिए कि इतनी आसान नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये इनका घर है, और जो नवीन है, इसके अंदर नवीन का किरदार बहुत बड़ा है कि आखिर नवीन कैसे उनको लेकर आया और नवीन कैसे संपर्क में आया। और नवीन को शायद ये अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि नवीन ने जिस तरीके से जब उन्होंने फायरिंग शुरू की, ये ड्राइंग रूम के अंदर जब बैठने के बाद में 10 मिनट बातचीत की और अचानक उन्होंने पिस्टल।